हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मापाज किचन। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों के मौसम में हम सभी का कुछ ठंडा ठंडा खाने का या पीने का मन करता है, तो आज हम ऐसी एक लोकप्रिय ठंडी ठंडी रेसिपी बनाने वाले हैं। आप हमारे यहाँ पे किसी भी शादी या समारंभ में जाओ तो वहाँ पे आपको खाने के साथ साथ मट्ठा ज़रूर मिलेगा। तो मट्ठा बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप घर पर आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मट्ठा कैसे बनाते हैं। मट्ठा दो प्रकार से बनाया जाता है, तो आज हम आपको दोनों प्रकार दिखा देते हैं। तो मट्ठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश ताक लिया है, यानी कि छाछ। यहाँ पे मैंने आधा लीटर ठंडा ठंडा छाछ लिया है। तो सबसे पहले हम इस छाछ में डालेंगे शक्कर। यहाँ पे मैंने एक टेबलस्पून शक्कर ली है। शक्कर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी मीठी टेस्ट चाहिए तो आप एक छोटा चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस कर डालिए, नहीं तो आप इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटी मिर्च। सिर्फ एक ही मिर्च हमें डालनी है, ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मट्ठा बहुत तीखा अच्छा नहीं लगता और वो पिया भी नहीं जाता। लेकिन थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिर्च क्रश कर ली है, उसे हम मट्ठे में मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ उसमें हम डालेंगे एक चम्मच काला नमक और एक छोटा चम्मच सादा नमक। और अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून अदरक का रस। अदरक को हमने कद्दूकस करके उसका रस निकाल लिया है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने अदरक नहीं डाला है, सिर्फ उसका जूस निकल कर ही डाल दिया है। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, इससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये भी ऑप्शनल है। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीना स्किप मत कीजिए, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा मट्ठा, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्व करते वक्त भी आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी जीरा पाउडर, इससे अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा काला नमक। जब भी आप ये मट्ठा पियेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और एक पत्ता पुदीने का। तो ये तैयार हो गया हमारा मट्ठा, आप इसे बनाइए और ठंडा ठंडा पीजिए। तो चलिए अब हम आपको दूसरा प्रकार भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने आधा लीटर ठंडा छाछ लिया है। इंग्रेडिएंट्स वही सभी सेम ही है। एक चम्मच शक्कर डाल दी है मैंने। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरे की पाउडर एक चम्मच। मट्ठा बनाने में कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, कोई परफेक्ट प्रमाण नहीं होता। आपको जो भी टेस्ट पसंद है उस प्रकार से आप मट्ठा बना सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा डालिए, मीठा नहीं पसंद तो शक्कर बिल्कुल भी मत डालिए। सॉल्ट एज पर टेस्ट। एक चम्मच यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया है और आधा छोटी चम्मच मैंने सादा नमक डाल दिया है। और साथ ही साथ इसमें डाल देना है एक चम्मच अदरक का रस। अदरक को ग्रेट करके मैंने उसका रस निकाल लिया है। अब डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया और पुदीना। आप चाहो तो हरा धनिया और पुदीने की पेस्ट बनाकर भी मट्ठे में डाल सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये हरा धनिया पसंद नहीं आता, तो बच्चों के लिए अगर आप मट्ठा बना रहे हैं तो आप इसकी पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी गर्म कर लिया है।
एक बात का ध्यान रखिए, आपको घी का ही इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, उससे मट्ठे की टेस्ट बिगड़ जाएगी। घी गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है मैंने एक छोटी चम्मच राई और एक छोटा चम्मच जीरा, और यहाँ पे हमें डालनी है एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हमें इस तड़के को हमारे मट्ठे के ऊपर डाल देना है। ये देखिए हमारा तड़के वाला मट्ठा भी बनकर तैयार है। आप इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। आपको जो भी प्रकार पसंद है आप उस प्रकार से मट्ठा बना सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर दोनों प्रकार दिखा दिए हैं। विदर्भ में ज़्यादातर ये तड़के वाला मट्ठा बहुत ही लोकप्रिय है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपका मट्ठा कैसा बना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आज की रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।